नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिना। खबर सतना से है, जहां फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार कर दूसरों के नाम से गाड़ियां फाइनेंस कराकर जालसाजी करने वाले एक रैकेट का सतना पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। गिरोह के मास्टरमाइंड को उसके दो साथियों समेत गुरुवार को गिरफ्तार किया। उनसे करीब 60 लाख रुपए के 7 चार पहिया वाहन जब्त किए हैं। चित्रकूट थाना पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए वाहन फाइनेंस कराकर फाइनेंस कंपनी और अन्य लोगों के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में मास्टरमाइंड कंचन सिंह, पिता रज्जू सिंह 26 वर्ष निवासी रानीपुर भट्ट सीतापुर थाना करवी चित्रकूट यूपी को गिरफ्तार किया है। उसके साथ उसके दो और साथी शैलेंद्र सिंह, पिता रावेंद्र सिंह 28 वर्ष निवासी असो थाना पहाड़ी चित्रकूट यूपी तथा धीरेन्द्र सिंह, पिता अवधेश सिंह 32 वर्ष निवासी ग्राम अरसा बरेठी थाना सरधुआ चित्रकूट यूपी को भी बंदी बनाया गया है। आरोपियों के कब्जे से लगभग 60 लाख रुपए मूल्य के 7 चार पहिया वाहन भी जब्त किए गए हैं। एसडीओपी चित्रकूट आलोक जैन ने बताया कि चित्रकूट में त्रिपाठी लॉज के ऊपर स्थित महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के विजय कुमार तिवारी, पिता बीएल तिवारी निवासी टोडी बैढ़न ने शिकायत दर्ज कराई थी। उनसे पुलिस के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत कर बताया था कि कंचन सिंह ने 7 लोगों के फर्जी दस्तावेजों के जरिए करीब 60 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। उनसे जाली दस्तावेजों के जरिए वाहन फाइनेंस कराए हैं, जबकि जिनके दस्तावेज हैं उन्हें इस बात का पता ही नहीं है। एसडीओपी ने बताया कि टीआई चित्रकूट सुधांशु तिवारी की टीम ने आरोपी की तलाश में उसके तमाम ठिकानों में दबिश दी, लेकिन वह हाथ नहीं आया। पुलिस की साइबर टीम को भी एक्टिव किया गया, जिसके बाद लोकेशन ट्रेस कर कंचन सिंह और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके कब्जे से 4 पहिया वाहन तथा तमाम जाली दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इस कार्रवाई में टीआई सुधांशु तिवारी, सब इंस्पेक्टर आशीष बरकड़े, साइबर सेल प्रभारी सब इंस्पेक्टर अजीत सिंह, एएसआई राजेंद्र वर्मा, एएसपी बागरी, हेड कांस्टेबल श्याम लाल, हरीश मिश्रा, नागेंद्र सिंह तथा आरक्षक विकास सिंह, पुष्पराज, चंदन द्विवेदी, विनोद द्विवेदी, अंजनी तिवारी, अमरेंद्र सिंह आदि शामिल हैं।